और आज जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे वो है वाटर। और काफी लोग जो कि अपना माइक ऑन करके बैठे हुए हैं ना, बंद करके सुनेंगे, जब जरूरत हो बोलने की तभी बोलिएगा, ठीक है। तब जब जवाब हम करेंगे यहाँ पे बायोकेमिकल या बायोकेमिस्ट्री में वाटर के लिए, तो वाटर कैसा मॉलिक्यूल आप शो करते हैं, पोलर या नॉन पोलर? तो वाटर का जो नेचर आप शो करते हैं वो पोलर नेचर शो करते हैं, लेकिन मोस्टली पोलर शो करते हैं कि ऑलवेज पोलर शो करते हैं? मोस्टली पोलर शो करते हैं। और वाटर का स्ट्रक्चर मैं आपको ये बता चुका हूं, वाटर के स्ट्रक्चर में हमने बता दिया था कि वाटर जो है एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन होते हैं। अब ऑक्सीजन की जब बैलेंसी की बात आती है तो ऑक्सीजन के पास जो है वो दो लोन पेयर भी होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास आउटर ऑर्बिटल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स की जो है शेयरिंग करता है, और ये कंडीशन जो है वो आपके साथ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स नहीं तो नहीं बताया, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में बताऊंगा भी नहीं, मैं करने के लिए बोला था और कुछ लोगों ने ग्रुप में किया भी था, और जिन्होंने नहीं किया है वो लोग जो है करेंगे दोबारा, और नहीं कर सीखो कैसे क्या करना है, मैंने इंटीग्रेशन बता दिया है, बाकी अगर इक्वेशन को सही से अरेंज करने भी नहीं आ रहा है तो फिर बहुत गड़बड़ बात है, ठीक है। तो खुद करने के लिए दिया था, वो प्रैक्टिस खुद तो करो कि सारा काम मेरे से करवाओगे, है ना। तो जब बारात होगा तो बारात में मेरे को दूल्हा नहीं ना बनाओगे, बाराती बनाओगे ना, तो अपने शादी में जो है खुद जो है दूल्हा बनोगे या दुल्हन बनोगे तो कम से कम अपने एग्जाम के लिए खुद थोड़ा प्रिपरेशन करो, ठीक है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। कई लोगों ने किया है, तो जो लोग ये एक्सपेक्टेशन में है कि कोई इस उम्मीद में है कि मैंने आके क्लास में करना है, कुछ अपने से मेहनत नहीं करना, तो उनके लिए बता रहा हूं दोबारा फिर से जाके खुद कोशिश करना, और नहीं है तो अपने फेलोमेट्स की थोड़ी मदद ले लो, थोड़ा सीखो कैसे करना है ना। तो अब फिलहाल के तौर पे यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ तो वाटर के ऊपर वापस आ जाओ, और वाटर जो है एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जो है जुड़ा है। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल आप शो करते हैं वो 104.45 डिग्री शो करते हैं, और ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप शो करते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं वो 2.2 शो करते हैं। अब बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक परमानेंट डाइपोल का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आप शो करते हैं ऑक्सीजन पे, और उसी वजह से इस हाइड्रोजन से भी खींचेगा तो एक और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलकर यहाँ पे दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। ये बिकॉज इसलिए क्योंकि दो हाइड्रोजन होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है एक पोलैरिटी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है, एक पार्शियल नेगेटिव की और एक पार्शियल पॉजिटिव की। अब ड्यू टू दिस ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल मोस्टली जो है वो पोलर होता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से हो, जिसको बोलते हैं वी शेप स्ट्रक्चर, अगर इस शेप में हो जिसमें बॉन्ड एंगल ये है, तो वाटर पोलर होगा। वाटर लीनियर अगर है तो जनरली नॉन पोलर होता है, क्योंकि उसमें जो अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब फिलहाल के तौर पर वाटर, जैसा मैंने बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए जरूरी है, ठीक है। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अब उसमें कवि क्या कहना चाहता था कि वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, उसका अलग मतलब लोगों ने निकाल दिया, लेकिन वो एक्चुअली में यही कवि कहना चाहता था कि वाटर जो है बहुत ही एसेंशियल है लाइफ के लिए। हमारी बॉडी में वाटर का जो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है लगभग 70% के आसपास है, 70% इन अवर बॉडी इज लाइक वाटर। हमारा बॉडी जो बना है, इवन सेल जो बना है, हर एक सेल भी जो होता है वो वाटर ही होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब बात करते हैं तो इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर डिजॉल्विंग द सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये जो है एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि किसी भी सब्सटेंसेस को क्या किया जा सके, डिजॉल्व किया जा सके। तो कोई भी सब्सटेंसेस को डिजॉल्व करने के लिए वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है, लेकिन हर सब्सटेंसेस जो है इसमें डिजॉल्व नहीं हो सकते। अब कौन से सब्सटेंसेस वाटर में डिजॉल्व होंगे ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है, और ये इसलिए क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है जिसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी वाटर में वही मॉलिक्यूल डिजॉल्व होंगे जिसका नेचर आप पोलर शो करेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जिसका नेचर नॉन पोलर होगा वो कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर का इंटरेक्शन जनरली नहीं होता है। नाउ कहीं ना कहीं ये जो वाटर होते हैं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं,
इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री, यानी एक तरीके का इसका शेप जो आप शो करते हैं वो एक वी शेप शो करते हैं, ठीक है। तो वी शेप जो शो करते हैं इसलिए इसका नेचर जो है पोलर होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसकी वजह से एक पार्शियल एक यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होते हैं, जिससे एक डाइपोल जो है वो क्रिएट होता है। एंड ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वाटर की जो कि आप ध्यान दे सकते हैं। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ, 70% हमारे सेल का या हमारे बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है वाटर, ज्यादातर जो है इसका यूज किया जाता है डिजोल्व करने के लिए, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें तो वाटर को, जैसा मैंने बोला था कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब वाटर के पास एक पोलैरिटी है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आप शो करते हैं वो अनइक्वल करते हैं, और ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और थोड़ा बहुत अभी करेंगे, ठीक है। याद रखिए डाइपोल मोमेंट जो होते हैं वो पोलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सिमेट्री जो है किसी भी मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बना देती है, जैसे CO2 में ये चीज होती है, सिमेट्री है, यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों अपोजिट खींच रहे होते हैं बराबर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे लीनियर वाटर का एक कॉन्सेप्ट आता है कि दैट लीनियर वाटर, जो लीनियर वाटर होते हैं दे वुड ऑल्सो बी नॉन पोलर, जनरली लीनियर वाटर जो है वो भी नॉन पोलर ही होंगे, लेकिन लीनियर वाटर का प्रेजेंस आप रेयर शो करते हैं, ज्यादातर लीनियर वाटर का केस आप शो करते हैं क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो होते हैं, जब अगर कहीं पे जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन के क्रिस्टल बन जाते हैं लोअर टेम्परेचर पे, तो क्रिस्टल के फॉर्म में जो है आप लीनियर फॉर्म ऑफ द वाटर को शो करते हैं, जैसे अगर आईसी क्रिस्टल्स है उसमें जो है आप वाटर को पोलर के तौर पे शो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस फॉर्म में आएगा, फ्लूइड फॉर्म में आएगा, तुरंत बेंट हो जाएगा और वहां पे उसकी नेचर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज लाइक ये आपका पोलर हो जाएगा। ये कंडीशन देखने को मिलता है लीनियर वाटर और नॉन लीनियर, और CO2 का भी यही कंडीशन है, CO2 पोलर होना चाहिए लेकिन नहीं होता, क्योंकि इसमें जो अट्रैक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या इलेक्ट्रॉन की पुलिंग अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट हो जाता है। ये भी मैं अनइक्वल शेयरिंग और इक्वल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो वाटर के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है, यूनिक प्रॉपर्टीज के तौर पर जैसे आपने उसकी पोलरिटी की बात करी, तो वाटर पहली बात तो एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर के साथ साथ वाटर एक ऐसा यूनिक मॉलिक्यूल है जिसका जब आप मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होती है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद दूसरा क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, सरफेस टेंशन, ये सभी जो है वाटर के हाई देखने को मिले। अब ये सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट है, जो हम थर्मोडायनेमिक्स का जब कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे तो उसमें आएगा। मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स और बायो एनर्जेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कवर अप किया जाएगा मेटाबॉलिज्म के जस्ट पहले, क्योंकि वहां से लिंकअप होता है प्रॉपरली। तो इसलिए ये जो हीट क्या होता है, एंथैल्पी क्या होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को कैसे रिलेट करते हैं, मेल्ट करना क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जैसे इतने टेम्परेचर पर रखा जाए जब उसका स्ट्रक्चर जो है मेल्टेड पोजीशन की तरह आ जाए, या जैसे डीएनए वगैरह होते हाइब्रिड होते डबल स्टैंडर्ड होते, ऐसा टेम्परेचर जब उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दे तो एक हर किसी मॉलिक्यूल का एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, और साथ ही में एक जो है बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। जैसे वाटर की बात करें तो 100 डिग्री की आप बात करते हैं, जैसे वाटर को टेम्परेचर देते रहेंगे 100 डिग्री पे जाते ही वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है, उस वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वाटर आपको वेपर के फॉर्म में भी मिलता है और आप वाटर आपको वाटर के फॉर्म में भी मिलता है, मतलब फ्लूइड फॉर्म में भी मिलता है। तो ये सब चीजें जो है वो कंडीशंस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंडीशंस जो है ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ इसके बाद जो है जहां मैंने बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है उनके बीच में एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनते हैं। वाटर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर इसलिए आ जाता है क्योंकि इसके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड की पूरी डिटेलिंग मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है पूरी की पूरी क्लास को जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ना, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जब बात करने की कोशिश करता हूँ तो वाटर एक्ट एज अ बोथ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का डोनर भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सेप्टर भी होता है, और ये भी मैं बता चुका हूँ कैसे, अगर याद करो वो वाला केस OH, ठीक है। तो इसमें जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं
उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का जो एच होता है वो डोनर की तरह बिहेव करता है, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे डोनर की तरह काम कर रहे, यानी ये जो प्रोटॉन है वो पार्सल क्या है पॉजिटिव होगा और ये ऑक्सीजन पार्सल नेगेटिव है। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जब आप देखते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे तरीके से जो है वाटर मॉलिक्यूल आता है, अब ये पार्सल नेगेटिव है। अब इस पार्सल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डोनर की तरह काम कर रहा है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो बेसिक केस है कि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसमें एक डोनर और एक एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो कोई कई कई लोग जो है मेल्टिंग और फ्रीजिंग को जो है वो सेम कंफ्यूज कर रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग में थोड़ा अंतर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स वाले कॉन्सेप्ट पे सारी चीजें आ जाएंगी, तो ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है, ये चीजें कंफ्यूज मत होना, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वाटर जो है डोनर और एक्सेप्टर की तरह कर रहा था, और इसके अलावा वाटर में यहाँ पे देखा गया है कि इट कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं कहीं पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड की जब बात करते हैं, ठीक है, तो अब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर जब चर्चा करेंगे तो ये तब करेंगे जब ऑक्सीजन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अगर ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आप जो है बेसिक तौर पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये कंडीशन आपके साथ चलता है, कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसके लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है वो 2 बन सकता है। तो आप लोन पेयर को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि जब भी आप आंसर दे रहे हैं तो किस कंसिडरेशन में दे रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि बताया गया कि वाटर एक बड़ा ही एक्सीलेंट पोलर मॉलिक्यूल है एंड एज वेल एज किसी भी आयनिक मटेरियल से बड़ा अच्छे से इंटरेक्ट करता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के लिए बड़ा मस्त रहता है ज्यादातर। और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं जनरली वाटर में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ये कुछ बेसिक फीचर्स है वाटर के और जो आप जान सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के तौर पे जो है अब आगे चलने की कोशिश करें तो आगे बढ़ते हैं। वाटर्स का जो है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट काफी हाई होता है, याद रहे कि द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है वो वाटर का हाई होता है, लगभग 80 के बराबर होता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड कितना इजिली आयन में टूट जाए, दो डाई का मतलब दो इलेक्ट्रिक मतलब दो आयन्स में टूट जाए, ठीक है। तो बेसिक जो केस होता है कि वाटर जो है बहुत हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, इसीलिए तो वाटर के पास एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप देखते होंगे कभी आपका हाथ भींगा होता है ना तो करंट लगने के चांसेस आपको ज्यादा होते हैं, क्यों, रीजन बिंग दैट कि वाटर एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसकी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है ज्यादा होता है एंड दैट्स वाई जो है एक अच्छा सॉल्वेंट भी होता है, साथ साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके साथ चलेंगे। नाउ अब आगे बढ़ने की थोड़ी कोशिश करते हैं, तो वाटर के बारे में ये सब चीजें हमने डिस्कस भी किया था कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसे बनते थे, और हमने डिसॉल्यूशन के बारे में भी बात किया था। अगर हमारे पास शुगर हो और हमारे पास वाटर हो तो शुगर एक पोलर मॉलिक्यूल के तौर पे आप बिहेव करते हैं और वाटर को भी आप एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, तो शुगर भी पोलर वाटर भी पोलर। अब पोलर पोलर मिल गए आपस में घुल गए तो शुगर एंड वाटर मिलकर क्या बना देगा, एक सोल्यूशन बना देगा। तो जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन तभी बनता है जब आपके पास क्या होना चाहिए, एक सॉल्यूट होना चाहिए और एक सॉल्वेंट होना चाहिए, एंड वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब ये हर जगह जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह यूज होता है वाटर, ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नाउ अगर आप मिट्टी को ले लीजिए या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है, जैसे आपने मिट्टी या सैंड को लिया, इसका नेचर आप शो करते हैं कि इट इज नॉन पोलर, और जैसे ही नॉन पोलर होता है आप इस मिट्टी को पानी में डाल के देखिए। अब सैंड में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो पोलर भी होते हैं, तो जो पोलर होंगे वो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन पोलर होंगे, अगर बालू है तो वो बालू तो पोलर कभी हो नहीं सकता, तो वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा सेटल डाउन होगा। तो व्हेनेवर यू डिजोल्व या व्हेनेवर यू ट्राई टू डिजोल्व नॉन पोलर कंपाउंड इनटू द पोलर सॉल्वेंट दैट इज वाटर, आपको कभी भी सॉल्युबिलिटी मिलेगी। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम हो तो यहां पे एक प्रोसेस शो करते हैं जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो है सेम हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए आपको सॉल्यूशन मिलता है, और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर डिफरेंट हो तो आपको सॉल्युबिलिटी घट जाएगी
और सॉल्युबिलिटी जब घट जाएगी तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसमें, ये जो चीजें होती है वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, तो आपको मिलता है प्रेसिपिटेट या जो है सेटलिंग अमाउंट या सेटलिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चीजें जो है आगे भी यूज होंगी, सॉल्वेंट सॉल्यूट की चीजें, और जब हम प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे प्रोटीन के केसेस में, डीएनए के केसेस में, तो सब जगह यही बेसिक यूज होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपस में इंटरेक्शन होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर सॉल्युबिलिटी घटेगी तो आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, एग्रीगेट हो जाएगा। यस, आपको प्रेसिपिटेशन को एग्रीगेट भी बोल सकते हैं, आपको जो है एग्रीगेट मिलेगा, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक। अब इसमें एक जो है क्वेश्चन ये आता है, याद है कि मैं एक क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी का, और सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो आता है, देखो ये आपके वाटर के साथ भी, जितने भी जैसे आप सॉल्ट देते हैं ना, सोडियम क्लोराइड देते हैं, तो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है, जैसे पानी में डालते फटाफट नमक घुल जाता है थोड़ी देर में, ऐसे आप घुमा देते, तो ऐसा क्या होता है? तो कोई भी सॉल्ट होता है ना, तो सॉल्ट में एक होता है सोडियम आयन, एक होता है क्लोराइड आयन। जैसे आप सॉल्ट देते हैं तो ये वाटर्स जो होते हैं, वाटर में दो अलग अलग रीजंस हैं, याद रखिए, वाटर के पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के पास, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन के पास। तो क्लोराइड आयन से जो वाटर जुड़ता है वो एक्चुअली में हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से जुड़ता है, देखिए लाइक दिस वन, और जो सोडियम आयन होगा उससे जो वाटर जुड़ेगा वो एक्चुअली, क्योंकि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उससे ऑक्सीजन अपने पार्शियल नेगेटिव चार्ज से जुड़ेगा, तो ये कंडीशंस जो है वो यहाँ पे होगा। तो जब भी आप किसी सॉल्ट को शो करते हैं तो सॉल्ट जब भी डिसोसिएट होगा उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हिस्सा होगा। सॉल्ट का जो पॉजिटिव हिस्सा होगा वो ऑक्सीजन के इंटरेक्ट करता है वाटर के, और जो सॉल्ट का नेगेटिव हिस्सा होगा वो हाइड्रोजन के जो है चीजों से रिएक्ट करता है। अब ये भी एक बेसिक जो आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका रोल जब मैं प्रोटीन में एक फिनोमिना आप शो करते हैं सॉल्टिंग इन एंड सॉल्टिंग आउट, सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन के दौरान, सॉल्टिंग आउट का फिनोमिना, सॉल्टिंग इन का फिनोमिना, उसमें इसी चीज का बड़ा बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आता है। क्या होता क्या है कि जब आप सॉल्ट को देते हैं ना तो उसमें वाटर देखो इसी तरीके से कंज्यूम होता है, तो वाटर कंज्यूम होता है तो फ्री वाटर की जो है कमी हो जाती है। फ्री वाटर की कमी होती है तो क्या होता है, बाहर अगर वाटर की कमी होगी तो प्रोटीन का जो हाइड्रोफोबिक स्पॉट्स होता है वो एक्सपोज होकर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करके प्रेसिपिटेट होते हैं। तो जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्ट जो है ऐसे ही वाटर के साथ कंज्यूम करके वाटर के अमाउंट को कम करके सॉल्युबिलिटी को घटाने की भी कोशिश करते हैं। वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि कैसे चीजें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन याद रहे कि कैसे जो कभी भी सॉल्ट आप यूज करते हैं तो सॉल्ट का जो पॉजिटिव पोर्शन है और सॉल्ट का जो निगेटिव पोर्शन है वाटर से वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, या वाटर का कौन सा एटम जो है किस एटम ऑफ द सॉल्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, ये ध्यान होना चाहिए। द पॉजिटिव सॉल्ट शुड इंटरेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द सॉल्ट शुड इंटरेक्ट विद द हाइड्रोजन, ठीक है।